Hey friends, मैं हूं जेसन रवि और आपका स्वागत करता हूं समरी ऑफ सिनेमा में। भाइयों और बहनों, आज हम रिव्यू करेंगे आपके लिए कार्तिक आर्यन की थ्रिलर फिल्म फ्रेडी का, जो कि हाल ही में हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो चुकी है। फ्रेडी प्ले करते हैं न्यू सेंसेशन कार्तिक आर्यन, हुज प्लेइंग फ्रेडी कैरेक्टर, जो कि एक पारसी डेंटिस्ट है, इंट्रोवर्ट है, शाय है, बचपन से ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंट वाली शख्सियत है। जहां शहर के फेमस मर्डर केस जिसमें पति ने पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी, वो दोनों फ्रेडी के मम्मी पापा हैं, ये हमें पता चलता है। फ्रेडी पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। बचपन से ही वो औरों से थोड़ा अलग है और उसका दोस्त सिर्फ उसका कछुआ हार्डी है। हम देखते हैं कि फ्रेडी नाउ वांट्स लव इन हिज लाइफ, लेकिन शाय है, क्लमजी है, कोई मिल नहीं रही है। आफ्टर मेनी रिजेक्शंस फिर आती है कैनाज ईरानी, प्लेड बाय आलिया एफ, आलिया फर्नीचर वाला, जो कि पूजा बेदी की डॉटर है रियल लाइफ में। कैनाज से फ्रेडी को एक नजर में प्यार हो जाता है और वो भी उसे पसंद करती है, पर वो शादीशुदा है और उसके गुस्से वाले पति ने उसका जीना हराम किया हुआ है। दोनों मिलते हैं और मिलने लगते हैं और फ्रेडी डिसाइड्स देन टू हेल्प हर बाय किलिंग हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड को मारने के बाद अब लाइफ अच्छी होगी, फ्रेडी ये सोचता है, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट है वो फ्रेडी का कछुआ जानता है और हम भी, लेकिन हम आपका फिल्म देखने का मजा खराब नहीं करेंगे। फिल्म ऑडियंस को अच्छे से एंगेज करती है। फिल्म थोड़ी डार्क है, स्लो है, पर कार्तिक की कड़क यानी अच्छी परफॉर्मेंस और क्यूट लुक्स की वजह से होल्ड करती है। कार्तिक का फलूदा ड्रिंक कॉन्फ्रंटेशन वाला सीन आपको उनकी एक्टिंग का हुनर दिखाएगा, जस्ट ब्रिलियंट। फैंस आर टेलिंग हिज एक्टिंग एज SRK's बाजीगर एंड डर कॉम्बो पैक। न्यूकमर आलिया फर्नीचर वाला की एक्टिंग बहुत नेचुरल है, रादर काफी मैच्योर है और वो लंबी रेस की खिलाड़ी हैं। वी रियली विश हर वेल। फिल्म का थीम है डिसेप्शन, मतलब धोखा, जैसे दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा एंडिंग से पहले दिखेगा नहीं। ऑल कैरेक्टर्स डू देयर जॉब वेल। फिल्म के डायरेक्टर शशांक घोष हैं और फिल्म बढ़िया डायरेक्ट की है, कसी हुई है और ऑडियंस के इंटरेस्ट को पकड़ के रखती है। फिल्म के राइटर हैं परवेश शेख, डायलॉग काफी रियलिटी बेस्ड लिखे हैं असीम अरोड़ा ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बालाजी टेलीफिल्म्स ने, NH स्टूडियोज और नॉर्दर्न लाइट फिल्म्स ने। ओवरऑल फिल्म में थ्रिल, टेंशन और एक्साइटमेंट कंसिस्टेंटली बना रहता है। मैं देता हूं फिल्म को 4 स्टार्स। फिल्म कम बजट में है और अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो अच्छा प्रॉफिट कमाती। फिलहाल हॉटस्टार पे है आपके लिए। तो ये था फ्रेंड्स नई थ्रिलर फिल्म फ्रेडी का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल स्मैश करना, और नहीं करने का मूड है तो गरीबों को 11 बनानास यानी 11 केले अपनी तरफ से खिला देना। टीजर को और कार्तिक आर्यन के फैंस के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सॉरी सर, कैप्टिव मीटिंग।